ले 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 ले, स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। एक नया वीडियो लाया हूँ, फायर गार्ड के ऊपर है वीडियो दोस्तों। कितना ब्रोकन है फायर गार्ड सभी जानते हैं, हालांकि 441 अटैक डैमेज के साथ, और ओपोनेंट है वोर डेंस। आ ले 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 वाईटी, किसी ने मेरा कॉपी किया है दोस्तों। खैर मेरा कॉपीराइट है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ट्रेडमार्क है ये। आजकल लगता है बहुतों को भूत सवार हो गया इसका वर्ड यूज़ करने का। चलिए शुरुआत मैंने फायर गार्ड से ही किया ऑब्वियसली, और सामने है जैक बुलवर्क। चलिए इस आले ले ले की हम लोग आले ले ले करते हैं दोस्तों। जैक बुलवर्क आप लोग जानते हैं दोस्तों कितना डिफेंस इसका मजबूत है। देखिएगा फायर गार्ड के सामने कितनी जल्दी ये हार मान जाएगा दोस्तों। देखिए क्रिटिकल डैमेज देखिए दोस्तों, क्या भयंकर है। मैं सोचा आज का वीडियो हिंदी में रखते दोस्तों, थोड़ा सा तड़का भी ज़रूरी है वीडियो में। चलिए जैक बुलवर्क हार गया दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगे होंगे और जैक बुलवर्क ख़त्म है। अगली कीबो है दोस्तों राउंड टू। नाम लेकिन मस्त है, वॉरडेंस। वॉरडेंस का कोई हमको लगता है पुराना होगा शायद। वॉरडेंस तो अब लगभग ख़त्म हो चुका है, पता नहीं लोग फिर से उसको चालू किए हैं मेरे ख्याल से। कीबो है दोस्तों अगली। चलिए आग चुसाते थोड़ा, बिल्कुल चुसा दिया हम लोगों ने। मिस हो गया मेरा शेडो मूव, कोई बात नहीं। फ्लेम थोड़ा फिर भी कनेक्ट हुआ दोस्तों, मज़ा आ गया। ये देखिए शेडो एक्सलेंस इसका एक्टिवेट होगा बिल्कुल। एक और हिट और ये कीबो जो है ख़त्म दोस्तों, बिल्कुल ग्रैब, खेल ख़त्म। चलते हैं अगले हीरो की तरफ जो कि है हमारे झाड़ू वाले बाबा। सच में दोस्तों फायर गार्ड एक मज़ेदार कैरेक्टर अभी यूज़ करने के लिए। डैमेज इतना अच्छा है, 3-4 कॉम्बो, अगर फ्लेम थ्रोवर आपका 2 को भी कनेक्ट हो जाता है वीडियो गेम प्ले में तो उस अपोनेंट का तो हश्र ख़त्म। चलिए फाइट। और फ्लेम थ्रोवर का एक और खासियत है दोस्तों, जो शेडो एनर्जी पर डिपेंड रहते हैं, जैसे मार्कस, जैसे शैंग। देखिए डैमेज दोस्तों 50% से ज़्यादा हेल्थ ख़त्म हो गया सिर्फ 2 हिट्स में। तो उससे क्या होता है कि फ्लेम जब तक रहता है वो शेडो एनर्जी उसका बर्न करते रहता है। काफ़ी अच्छा ये टैलेंट है फायर गार्ड का। एक एक हिट और दोस्तों, बिल्कुल शेडो वो उसमें इस्तेमाल किया, उससे बच गया वो प्रोटेक्शन। यहाँ गोंडो मुझे लग गया है, कोशिश करते इसको ख़त्म करने का दोस्तों। अगर ये फिनाले नहीं लिया होगा फैटल डैमेज तो आई थिंक ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। 108 HP बचा हुआ है, और जी हाँ दोस्तों फिनाले था इसका, 1 HP से ये बच गए, नहीं तो उसे भी ही था फायर गार्ड से। चलिए हिलगा से ख़त्म करते हैं फटाफट हमारे वॉरडेंस ले 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 वाईटी को। लेवल 12 का प्लेयर, जाना पहचाना लग रहा है। हालांकि ब्लेस्ड बाय लाइट हिलगा कमी पूरी करेगी फायर गार्ड की। ग्रैब करते हैं फॉलोड बाय अप अटैक। गेम इज पॉज्ड है, पता नहीं, मेरा तो इशू नहीं लगता है दोस्तों। हो सकता है वो सरेंडर कर दे, या हो सकता है उसका भी नेट इशू हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आइकन तो मेरा ही शो कर रहा है। पता नहीं दोस्तों, विक्ट्री मुझे ही मिल गई, चलिए अच्छी बात है। चलते हैं अगले अपोनेंट की तरफ दोस्तों, एस। मैं शुरुआत फायर गार्ड से कर रहा हूँ, उसने सार जिससे किया है। एक्टिवेटिंग होस्ट फाइट। शुरुआत करते हैं आग उगलने से, आग उगल दिया मैंने दोस्तों। अर्थ ऑन फायर का जलवा देखिए दोस्तों, फायर गार्ड गाना गा रहा होगा मेरा ही जलवा जलवा जलवा। और ये देखिए दोस्तों सार्ज खत्म, कितनी जल्दी, राउंड परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। अगली युक्का है उसकी। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा मेरा ही जलवा जलवा जलवा। जंप किक से शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल, और लगता है ड्रॉ हो गया दोस्तों कनेक्शन के कारण।
चलते हैं अगले अपोनेंट की तरफ, समित इन लेवल 12, ये कैंपर है दोस्तों। इसके साथ एक दो मैच और खेला हूँ और साथ डाला भी हूँ कैंपर लिस्ट में। शुरुआत ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग होस्ट हमारे जलवा वाले भाई से। सामने है हमारे एम्परर भैया, फाइट। ये देखिए रगड़ना शुरू कर दिया दोस्तों, हालांकि ये ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर है नहीं। चलिए बना भी देते हैं उसको, मिक्स कर देते हैं हम लोग गेम को। माता मोड एक्टिवेट, अभी पिछवाड़ा मोड एक्टिवेट है दोस्तों। ये देखिए अब माता मोड एक्टिवेट है। बहुत लोग पूछते हैं ये माता मोड क्या है, तो भाई पिछवाड़ा रगड़ते रगड़ते जब अटैक करता है तो उसको माता मोड बोलते हैं। लगातार अटैक करने वाले को हम लोग पिताजी मोड बोलते हैं। ये देखिए अभी रगड़ रहे हैं, डैमेज देखिए दोस्तों फायर गार्ड का। इसको हम लोग एम्परर बीस्ट बनने नहीं देंगे और ये एम्परर जो है ख़त्म है। नेक्स्ट उसका दरवान है अजूमा द फेल्शर। राउंड टू एक्टिवेटिंग होस्ट, फाइट। ये स्टांस लेकिन नेकी ने बहुत सोच के बनाया दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि फायर गार्ड का हम लोग बायो पढ़ते तो पता चलता है कि वो रोबोट है, तो ऑब्वियसली है कि उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। और जब वो हारता है तो ऑटोमेटिकली आप लोग जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। तो काफ़ी अच्छा ये इसका है स्टांस। देखा जाए तो इसका हमको लगता है कि विक्ट्री पोज भी ज़रूर आएगा। ये देखिए दोस्तों पिछवाड़ा रगड़ रहे अच्छे से, ट्रेडमिल चल रहा है उसमें, सैर पे निकले हुए हैं। आग उगल दिया दोस्तों, आग चूसा दिया। ये ले थोड़ा सा आग चूस ले। शैडो मूव मेरा मिस हो गया दोस्तों, सर्कस करते करते इसने मेरा शैडो मूव जो है वो डॉच कर लिया है। ये देखिए अभी रगड़ रहे अच्छे से, काफ़ी अच्छा रगड़ लेते हैं। और मेरा फायर गार्ड दोस्तों शहीद हो गया है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ये देखिए प्राउड कैंपर है दोस्तों। होंगजू को लाते हैं, होंगजू का टैलेंट फिर से ट्विक्स किया हूँ दोस्तों। एक्टिंग मास्टरी के साथ मैंने डांसिंग फुल भी इसमें रखा है। राउंड थ्री फाइट। ओहो होंगजू का सिर्फ अप अटैक फास्ट है दोस्तों, बाकी सब अटैक इसका जो है ना इन लोगों ने एकदम स्लो कर दिया है। फायर गार्ड का रेंज थोड़ा कम था। चलिए ट्रैम्प चार्ज है, कोशिश करेंगे इसको यूज करने का। बैम, ये देखिए डैमेज। उप्स क्रिटिकल, लेकिन होंगजू गिरा नहीं बिकॉज ऑफ डांसिंग फुल। काफ़ी अच्छा टैलेंट है डांसिंग फुल भी। और यहाँ पे ये झाड़ू वाले दरबान बाबा हमारे हार चुके हैं। आखिरी उसकी कीबो है कॉन्फिडेंस टैलेंट के साथ। मार्कस को मैंने बचा के रखा है क्योंकि गीबो का डैमेज तो सभी जानते हैं। राउंड फोर फाइट। ये देखिए दोस्तों काफी अच्छे से रगड़ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, पीछे रगड़ता है, उसके बाद रोलिंग वेव इस्तेमाल करता है, फिर कुछ स्पिनिंग अटैक इस्तेमाल करता है और होगा तो थाउजेंड कट इस्तेमाल। बिल्कुल वाह, क्या टाइमिंग है मेरा बोलने का। चलिए फायर क्रैकर से इसको मज़ा चखाते हैं थोड़ा। फुलझड़ी छोड़ दिए कीबो पे, कीबो लगती भी हम लोगों की फुलझड़ी ही है। और मेरा ट्रैम्प डॉज हो गया दोस्तों और थाउजेंड कट्स देने लगता है मेरी ले ली। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि होंगजू जी हाँ ख़त्म हो गया। बैकी का इस्तेमाल करना चाहता वहाँ पर मुझे। चलिए कोई बात नहीं, जनरल मार्कस को लाते हैं। वेक अप जनरल। मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों, जिन लोगों ने फाइट पास नहीं खोला है, अगर वो पूरा चेस्ट खोलते हैं फाइट पास का तो 2615 पॉइंट्स होता है पूरा फाइट पास चेस्ट खोलने से, कोबरा चेस्ट को मिला के। और मैराथन में जो पॉइंट्स हैं हम लोग को वो 3500 पॉइंट्स है, तो फिर भी हम लोग को 885 पॉइंट्स चाहिए होंगे कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोगों ने जैसा देखा होगा स्टोर पे जो मिथिक चेस्ट है उसका प्राइस कम कर दिया इन लोगों ने, 2000 जेम्स मेरे ख्याल से। तो मिथिक चेस्ट से 250 पॉइंट्स मिलते हैं हम लोगों को। तो अगर आपके जेम्स बचे हैं तो हम लोग मैराथन जो है कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैराथन से भी हम लोगों को 2000 जेम्स मिलेंगे दोस्तों। और फाइट पास जो लोग ख़त्म करेंगे, आप लोगों को पता ही है जो पेड है जो खरीदे हैं, कोबरा चेस्ट के बाद कोबरा मैराथन भी आएगा, तो तैयार रहना है क्योंकि मैं एक दो दिन में फाइट पास खरीदूंगा दोस्तों, फिर आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे ये अपोनेंट को उप्स की बारिश कर दिया दोस्तों, नहा लिया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा उसे। अगले अपोनेंट की तरफ चलते हैं, वार्डलॉक्स मिस्टर जिनेस।
चलिए अच्छा लगा कि इसने सार्ज अपने रोस्टर से हटा दिया है। बहुत लोग जानते होंगे ये कैसा प्लेयर है, देखते हैं इसमें कैसा खेलता है। हम लोग कहाँ थे, हम लोग मैराथन की तरफ थे, है ना दोस्तों। चलिए फायर कार्ड से शुरुआत कर रहे हैं इसमें। तो 800 पॉइंट्स दोस्तों, इवेंट भी 6 दिन में रिन्यू होगा। अगर उसमें कुछ बड़े चेस्ट मिल जाते हैं हम लोगों को, तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम लोग का मैराथन जो है कम्प्लीट हो जाए। उसने शुरुआत मंकी किंग से किया है। राउंड 1 एक्टिवेटिंग होस्ट फाइट। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों अपना मैराथन कंप्लीट करने का, क्योंकि मैराथन से मुझे देखते हैं मिथिक चेस्ट से अगर कोई वेपन मिल जाए। मैं चाहता हूं मुझे कोई वेपन नहीं मिले, मुझे सिर्फ 3 वेपन की आवश्यकता है दोस्तों। एक स्कारलेट वेंजेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा मुझे होंगजू का ड्रैगन ट्रायम्फ चाहिए, और तीसरा मुझे ब्रूटल बाउंसर चाहिए आयरन क्लैड का दोस्तों। मैगमेरियन मेरे पास है ही, लस्टर मेरे पास है ही, और चेरी स्टील स्ट्राइकर तो खैर सभी के पास है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे मंकी किंग हार गया है, चलते हैं अगले हीरो की तरफ जो कि है आयरन क्लैड। उसने हाइफेन थ्रेशोल्ड लिया है, साथ में वाउंड बैंडेजिंग अलोंग विथ नॉकआउट इनेट स्टबनेस एंड बर्जर्क। कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों आयरन क्लैड का गेम प्ले, इसलिए कि शैडो रेस्पाइट फिर से मैं ट्राई कर रहा था, और आज लगभग 70 स्टबनेस चार्जेस में पहुंचा था दोस्तों आखिरी राउंड पे। और जो हेल्थ रिजनरेट हुआ था मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, पूरा हेल्थ रिजनरेट आयरन क्लैड का हो चुका था। कल देखेंगे आप लोग वो वीडियो, तो आप लोगों को आशा करता हूँ ज़रूर पसंद आएगा। देखिए अर्थ ऑन फायर का मज़ा दोस्तों, अगर परसिस्टेंट टैलेंट नहीं भी है फिर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फायर गार्ड को। कितना बर्न कर रहा है दोस्तों, देखिए हेल्थ उसका 60% हेल्थ उसका ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग क्लैड की बात कर रहे हैं। 13 स्टबनेस चार्जेज है, फिर भी उसका डिफेंस देखिए कितना कमज़ोर है फायर गार्ड के सामने। बर्निंग इफेक्ट जो है फायर गार्ड का दोस्तों, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, अगर मैं सही से शेडो मूव इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि ये आयरन क्लैड भी ख़त्म हो गया था। चले कोई नहीं, मैं लगभग हरा ही दिया था फायर गार्ड ने। होंगजू को चुनते हैं, मैं मार्कस को बचा के रखा हूँ। हालांकि कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उसने जो मार्कस लिया है उसमें उसका जो टैलेंट है वो लीजेंस हीरो चुना है उसने, तो प्रिटी ऑब्वियस है कि होंगजू पार लेगा। होंगजू, यस माय होंगजू विल टेक केयर ऑफ हिज मार्कस। कोशिश किया था शेडो मूव डॉच करने का, कर भी लिया था, हालांकि उसने डैश का इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं, हैवी एक दो हिट में मेरे ट्रायम्फ चार्ज हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल चार्ज है। कोशिश करते हैं यूज करने का, गलत टाइमिंग बिल्कुल, मुझे लगा ही था बैक किक करेगा तो वो मिस हो जाएगा। पता नहीं दोस्तों एक्टिन मास्टरी का क्या है, मुझे कुछ समझ में आ रहा, क्यों टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं निक्की। एक तो ये सड़ा हुआ वेपन फायर गार्ड का ला के वेस्ट कर दिया उन्होंने, बहुतों का जो इस्तेमाल किए होंगे। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं निक्की को सपोर्ट में बात किया था, उनको बोला भी ये चीज़ कि फायर गार्ड जब ऑटोमेटिकली शैडो एनर्जी जनरेट कर सकता है तो फिर ये वेपन का ज़रूरत क्यों। मैं इस उनको पहले मैसेज किया था ये कि कितना जेम्स लग रहा है इस रोलेट में, क्योंकि मुझे सिल्वर ड्रैगन लेने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने बताया कि 12,400 जेम्स लगेगा इस रोलेट में, तो मैंने वहीं पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया दोस्तों। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उस वेपन की क्या ज़रूरत है, प्लस एपिक करने की क्या ज़रूरत है, तो उन लोगों का रिप्लाई क्या आया आपको मैं वीडियो में अटैच करूँगा, मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा इस चीज़ को, आप लोग खुद देखिएगा रिप्लाई निक्की का। वीडियो एंड जब होगा उसके बाद मैं वो स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। उन लोगों ने बोला कि डेवलपर टीम को हम लोगों ने आपकी ये बात सेंड कर दी है, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, पता नहीं क्या बोला उसने, मुझे याद नहीं है। चलिए दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे मार्कस को होंगजू ने टेक केयर कर लिया। स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। मैंने पूछा कैन यू गाइस कैन कंफर्म मी द अमाउंट ऑफ जेम्स नीडेड पर स्पिन इन न्यू गिफ्ट ऑफ होई। उनका जवाब देखिए दोस्तों, ईच रोलेट हैज डिफरेंट कॉस्ट, इन दिस रोलेट यू विल नीड 12,400 जेम्स टू ओपन ऑल रिवॉर्ड्स। उसके बाद मैंने दोस्तों फिर एक सवाल किया उन लोगों से, आपको दिखाता हूँ। ये है सवाल दोस्तों, थैंक्स फॉर सेविंग मी, द वेपन इज यूजलेस एज फायर गार्ड कैन जनरेट शैडो एनर्जी ऑटोमेटिकली, देन वाई दिस वेपन 12,400 gems for a roulette is too much and the marathon also having too much points to claim its rewards as fight pass chest not enough to complete marathon and there is no other way to get chest other than purchasing. Kindly give some respite to free players, not everyone can afford this. I am talking in the behalf of all players. I hope you guys can reduce the amount of gems and point for future boats and marathon. Regards, Sumit Gupta Gaming. Unka jawab suniye dosto,
लिखते हैं, डियर प्लेयर थैंक्स फॉर योर फीडबैक, वी हैव सेंड इट टू द डेवलपमेंट टीम, बेस्ट रिगार्ड शैडो फाइट अरेना सपोर्ट टीम। मतलब सोचिए दोस्तों क्या रिप्लाई है इन लोगों का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आशा करता हूँ फायर गार्ड का वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।